गोड्डा जिला के मेहरामा प्रखंड से ठाकुर गंगटी को जोड़ने वाली मुख्य पथ ठेकेदारों की भेंट चढ़ गई। ये मुख्य पथ पीडब्ल्यूडी विभाग से विगत एक वर्ष पूर्व निर्माण कराया गया, लेकिन इस पथ पर किस कदर कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार भेंट चढ़ा कि पहली ही बारिश में लोगों का चलना दुश्वार हो गया है। पूरा सड़क जगह जगह इस कदर गड्ढे में तब्दील हो गया है कि साइकिल तो दूर, लोगों को पैदल भी चलना दुभर हो गया है। शायद ही कोई दिन ऐसा हो कि कहीं ना कहीं गाड़ी फंसा ना हो। फंस जाता है, बढ़िया कपड़ा खराब हो जाता है, हमें जाने में बहुत परेशानी है। रात में तो साइकिल से अगर जाता है तो गिर भी जाता है। स्थानीय लोगों की माने तो निर्माण कार्य के समय से ही ठेकेदार के द्वारा पूरी तरह से अनियमितता बढ़ती गई, साथ ही घटिया सामग्री लगाकर केवल लीपापोती का काम जमकर किया गया और विभाग आंख मूंदे सोया रहा। नतीजा ये कि आज हल्की बारिश में ही जगह जगह गाड़ियां फंसती हुई नजर आई। और डेढ़ साल, मात्र डेढ़ साल हो गए तुमसे। और डेढ़ सालों में है स्थिति, है स्थिति। रोड बनला लो तो खुशी होला लो, बहुत खुशी की बात है। जखनी रोड बनेलो तखनी तो हम कह लेली ठेकेदार का कि है कि जिसे भी तो है रोला दो गाय जो खाली न सो न झूठो रो कल के नहीं रोड बढ़िया बना रहा है। तखनियो दो नंबर काम कर दी। हां तखनियो दो नंबर। वही विभाग की माने तो तीन साल पूरा हुआ है, फिर से डीपीआर तैयार की जा रही है ताकि फिर से सड़क की रिपेयरिंग की जाए। उसका डीपीआर तैयार हो गया है और उस पर जो है टीएस होकर प्रशासनिक हो जाएगा और अभी हम लोग तत्काल उसको रिपेयर कर रहे हैं। सर एक साल भी नहीं हुई है उसको बनने में, ताकि इतिहास क्या है उसका। तीन साल पहले बना था, तीन साल पहले 2007 का सर टेंडर था। हाँ 2007 का है था और रिमेनिंग वर्क था, तीन साल पहले पूरा हुआ। बहरहाल जो भी हो, पहली ही बारिश में पूरे सड़क पर इस कदर गड्ढे हो गए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि गोड्डा जिले में कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार किस कदर सर चढ़कर बोल रही है। नरेंद्र, न्यूज 11, गोड्डा।